अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेख जवार रजा जावा, आपका अपना एस्ट्रोलॉजर। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल इज्जत की दुरूद व सलाम मुहम्मद व आले मुहम्मद। लिब्रा वीकली हॉरोस्कोप 10 to 16 अक्टूबर, आपका ये हफ्ता कैसा रहेगा? लिब्रा, सबसे पहले तो बताता चलूं कि आपके लिए बहुत अच्छी खबरें इस सेंस में हैं कि आपका अपना साइन लॉर्ड वीनस जो है ये थर्ड हाउस में जा चुका है। थर्ड हाउस में जाने से इसके आपकी लाइफ पे बहुत बड़े चेंजिंग्स जो है वो आते हैं। दूसरा बड़ा इवेंट जो है वो 11 अक्टूबर को होगा, जबकि सैटर्न जो कि आपके पांचवीं पोर्शन में यानी फिफ्थ हाउस में जायचे के मौजूद है, ये स्टैंड बाय हो जाएगा, इसकी रेट्रोग्रेशन खत्म हो जाएगी। इसकी रेट्रोग्रेशन आपके लिए बहुत बड़े जो चैलेंजेस लेके आ रही थी उसका अब खात्मा होगा इंशाल्लाह। और इसके अलावा 11th को ही सन एग्जैक्टली अपने डेबिलिटी डिग्री से गुजरेगा आपके असेंडेंट में से, लेकिन इसके साथ मार्स और मरकरी भी दोनों मौजूद हैं। अब यहाँ पे वीनस के साथ इसकी जो नजरात हैं वो भी हैं होंगी। मैं आपको बताऊंगा कि इस हबूत से आप किस तरीके से जो है वो बच सकते हैं। इसके अलावा आपकी बिजनेस, आपकी फैमिली, आपकी हेल्थ वेल्थ और इसके अलावा आपकी जॉब, इन प्रॉस्पेक्ट पे भी इंशाल्लाह हम जो है वो ज़रूर बात करेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे कहूँगा दो चीज़ें। एक तो ये कि अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो देखने के बाद चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको बर वक्त बाकी वीडियोज़ भी जो है वो मिलती रहें। दूसरा, इस वीडियो के बारे में अपनी राय ज़रूर दिया करें। कोशिश ये होती है कि आपको बेहतर से बेहतर गाइड किया जाए। किस हद तक कामयाब होते हैं ये आपने हमें बताना है। सबसे पहले तो बात करूंगा आपका अपना रूलिंग प्लैनेट वीनस। वीनस बुनियादी तौर पे जो है आपका रूलिंग प्लैनेट है, तो आपकी पर्सनालिटी से रिलेट करता है, आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस से, आपकी पॉपुलैरिटी से, नेम फेम से। उसके अलावा ये ब्यूटी से रिलेशन है इसका, आर्ट गैलरी और लग्जरी आइटम्स के साथ इसका रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा। वीनस का एक बहुत बड़ा तल्लुक जो है वो सोशल मीडिया के साथ है, तो ये आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त इंशाल्लाह एस्पेक्ट्स जो है वो लेके आ रहा है। यहाँ से इसकी जो तस्दीस की नज़र बनेगी, एक सेमी पॉजिटिव नज़र हम कहते हैं, बड़ी जो है एक नज़र उसको तस्लीस कहते हैं, ये तस्दीस होती है। सो ये जो बनेगी तो इससे आपके बहुत सारे मसाइल जो है वो हल होंगे, स्पेशली बहन भाइयों के साथ जो आपका रिलेशनशिप है उसमें बेहतरी आएगी, बिलखसूस आपकी बहनों के साथ आपका रिलेशनशिप बहुत ही बेहतर होता नज़र आ रहा है। आप अपने हुस्न इखलाक से, अपने भरपूर जो पर्सनालिटी आपकी ट्रेड्स है उसके इन्फ्लुएंस के साथ आपका उनके साथ रिलेशनशिप जो है वो बहाल होगा। और इसमें एक और गुड न्यूज़ ये है कि इंशाल्लाह थर्ड हाउस का लॉर्ड जो कि एग्जैक्टली आपके बहन भाइयों से मुतल्लिक है, ये इंशाल्लाह ये भी नेक्स्ट वीक में मैं आपको बताऊंगा, ये भी स्टैंड बाय जो है वो हो रहा है। सो ये आपके लिए बहुत ज़बरदस्त रहेगा। आप अपनी लाइफ में बड़े चेंजिंग्स को देख सकेंगे, करेज आपको मिलेगी, आपकी एबिलिटीज़ जो है उसमें इजाफा होगा, लोगों में नेम फेम आपको मिल सकेगा, आप लग्जरी आइटम्स परचेज भी करेंगे, प्लेसमेंट भी होगी आपकी। स्पेशली जैसे मैंने कहा कि सोशल मीडिया या टीवी, फिल्म, थिएटर, ये किसी भी तरह आप अगर मीडिया से मुतल्लिक है तो आपकी लाइफ में बहुत बड़ी तब्दीलियां आ सकती हैं, नए जो चेंजिंग्स हैं वो आपको मिलेंगे और बहुत अच्छी नेम फेम के साथ मिलेंगे, नए एग्रीमेंट्स आपके हो सकते हैं, आपकी परफॉर्मेंस माइंड ब्लोइंग इस वक्त बहुत ही ज़बरदस्त होके आपकी परफॉर्मेंस आपको मिलेगी। एजुकेशन सेक्टर में भी आपको बेहतरी मिलेगी, आप अगर राइटिंग करते हैं, कोई राइटर हैं तो भी आपकी जो तहरीर है उसमें बड़ी सॉफ्टनेस और पोलाइटनेस आप देखेंगे और बड़ी ही ज़बरदस्त, क्योंकि मरकरी भी असेंडेंट में मौजूद है, सो ये आपको बहुत ही नेम और फेम दोनों चीज़ें देगा। सूझबूझ के साथ आप अपने मामलात को बहुत ही आगे लेके जा सकेंगे। इसी तरह आपकी टॉलरेंस में इजाफा होगा, आप जो पहले इतना टॉलरेट नहीं कर पा रहे थे तो आप वसत कल्बी का मुजाहरा जो है वो आप करेंगे। इसके अलावा कुछ थोड़ा सा एक बार फिर आपकी तवज्जो जो है वो अपनी फिजिकल फिटनेस की तरफ जाएगी, आपकी एफर्ट्स जो है वो फिलफुल होंगी और इंशाल्लाह आपके लिए ये बड़ा ज़बरदस्त साबित होगा। दूसरा हमारा जो दूसरा इवेंट था वो था सैटर्न। सैटर्न आपके फिफ्थ हाउस में मौजूद है और फोर्थ और फिफ्थ का जो है ये लॉर्ड है। सो
इसका स्टैंड बाय होना इट्स मीन सबसे पहले तो आपके जो होम कंफर्ट है उसका बेहतर होना, घर के माहौल का बेहतर होना, प्रॉपर्टी सवारी की खरीद फरोख्त में जो रुकावटें थी वो ख़त्म हो जाएंगी। अगर आपका कोई डायलॉग्स चल रहे थे और पोस्टपोन हो गए थे या पॉज हो गए थे वो रिकंसल्ट होंगे आपके साथ और आप देखेंगे कि मामला बड़े अच्छे होते चले गए, घर का माहौल बहुत अच्छा होगा और आप पीस ऑफ माइंड लेंगे। घर में आपको बिल्कुल एग्जैक्टली जैसे एक बंदा घर को फील करता है वो आप फील कर सकेंगे। उसके बाद ये आपके पांचवें घर में रेट्रोग्रेड था, तो स्पेशली वो लिब्रास जो पसंद की शादी करना चाह रहे थे उनके लिए अब ये रास्ते दोबारा से हमवार करेगा। आपके जो थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी वो अब ख़त्म हो जाएगी। इसी तरह बच्चों से रिलेटेड मामला था, आपके आपकी लव लाइफ में जो नेगेटिविटी थी, जो एक आपके माबेन जो है वो डिस्टेंस बढ़ता चला जा रहा था, अब ये भी जो है वो ख़त्म होगा। आपको एक बार फिर अपनी करेक्टर को बेहतर करने का मौका मिलेगा, अपनी लव लाइफ को बेहतर मजीद बेहतर करने का मौका मिलेगा और पांचवें घर से आपको एजुकेशन सेक्टर में भी जो है वो बड़ी आसानी मिलेगी। जैसे कि मैंने आपको बताया वीनस थर्ड हाउस में मौजूद है, तो बेसिक एजुकेशन से ट्वेल्थ सेक्टर के एजुकेशन हासिल करने वाले जो लोग हैं उन्हें बेहतरी मिलेगी और सेक्टर के जो स्टैंड बाय होने से स्केल 12 से 14 के जो एजुकेशन ले रहे हैं उन्हें भी बेहतरी मिलेगी। दूसरी तरफ आपके स्पेशलाइजेशन करने के लिए जो प्लेनेट है वो है मरकरी और वो आपके असेंडेंट में मौजूद है, गो कि इस वक्त वक्ती तौर पे ये कम्बस्ट में जा चुका हुआ है सन की वजह से, लेकिन सन चुके इसी हफ्ते में जो है वो खुद भी डेबिलिटेड होगा तो मरकरी को जो है वो अपना मौका मिलेगा अपनी पूरी पावर्स आपको देने का। इस तरह इस हफ्ते में इस हवाले से कुछ बड़े फैसले भी हो सकते हैं, आपके ओवरसीज ट्रैवल या आप पाकिस्तान से बाहर एजुकेशन लेना चाहते हैं तो उसमें भी आपको इंशाल्लाह अच्छी जो है वो रिजल्ट्स मिल सकेंगे। इसके अलावा जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि सैटर्न के फिफ्थ हाउस में और जुपिटर के साथ इसके होने से आप बहुत से ऐसे नॉलेजेस गेन करने की तरफ जाएंगे जिसमें जिसको हम एक्लर्ट साइंसेस कहते हैं, पामिस्ट्री या एस्ट्रोलॉजी और इसी तरह की आपके दूसरे नॉलेज, आपकी जहानत में इजाफा होगा और आप प्रॉपर तरीके से गेन करेंगे। इसमें मोर देन प्लस जो होगा वो होगा स्पिरिचुअलिज्म। स्पिरिचुअलिज्म चूंकि आपके नाइन्थ हाउस का लॉर्ड भी आपके असेंडेंट में मौजूद है, इस तरह ये एक और बहुत ज़बरदस्त होगा। नाइन्थ हाउस के लॉर्ड के साथ जुपिटर के साथ भी तसलीस बनेगी और मरकरी की और सैटर्न के साथ भी, ये आपके लिए दोनों चीज़ें बड़ी ज़बरदस्त होने जा रही हैं। इसके अलावा जो एक और चीज़ बहुत अच्छी है वो है आपका सन। सन आपके 11th हाउस का लॉर्ड है और फर्स्ट हाउस में मौजूद रहते हुए ये आपकी ख्वाहिशात की तकमील में बहुत ज़्यादा मावनत जो है वो कर रहा था, आपके दोस्त अहबाब से आपका रिलेशनशिप को बढ़ा रहा था, गेन कर रहे थे आप, बहुत ज़बरदस्त मिल रहा था। सिर्फ तीन दिन आपको थोड़ी सी एहतियात करनी और अपनी ख्वाहिशात को थोड़ा सा कंट्रोल में करना है, उसके बाद फिर इंशाल्लाह मामला जो है वो नॉर्मल होते चले जाएंगे। और यह 10, 11, 12 इन दिनों में अगर संडे आए तो बहुत ही अच्छा है, अगर संडे नहीं है तो आपने कम से कम 11 अक्टूबर को जो है 1 किलो गंदम या दाल चना का सदका जरूर देना है और या हयो या कयूम का विद जो अगर आप रखेंगे 10, 11, 12 तीन दिन खुला पाल लीजिए तो ये आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त साबित होगा। स्पेशली आप लिब्रा हैं इस हवाले से भी और सन के जो मैटर्स हैं उसको भी आप कवर कर सकेंगे। इस तरह जो ग्रेस आपको मिल रही है, जो नेम फेम, जो पावर, जो अथॉरिटी आपको मिल रही है उसके कम होने का खदशा जो है वो इंशाल्लाह दूर हो जाएगा। बेहतरीन जेमस्टोन आपके लिए इस वक्त रूबी भी और ओपल भी दोनों आपके लिए बड़े अच्छे। अच्छा, रूबी आपके लिए हमेशा से बड़ा अच्छा रहा है, लेकिन कुछ लोगों को इस बात की समझ नहीं आती, लोग ये समझते हैं कि आपकी लक का तल्लुक सिर्फ और सिर्फ आपके अपने जो प्लेनेट का स्टोन है उससे है, ऐसा नहीं है। रूबी बुनियादी तौर पे सन से रिलेट करता है, सन आपके जायचे के 11वें गुड लक के गेन्स के अचीवमेंट्स के घर का लॉर्ड है। सो इसका जेम अगर आप पहनेंगे, जैसे कि इस वक्त ही आपके असेंडेंट में मौजूद है तो ये आपको बहुत कुछ दे रहा है,
इसी तरह अगर आप इसका स्टोन पहनेंगे तो आपको इसके बहुत ज़्यादा फवायद जो है वो मिल सकेंगे। उम्मीद करता हूँ हमेशा की तरह ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव साबित होगी और आप इसको मद्देनजर रखते हुए अपने मामलात को बेहतर तौर पर जो है प्लान कर सकेंगे। ये जितनी बातें मैंने आपको बताई ये जनरल में है, चूंकि तमाम लिब्राज के लिए हैं, हर लिब्रा एक ही एज का तो नहीं और ना एक ही साल की पैदाइश है। सो इंडिविजुअल के लिए बेहतरीन ये होगा कि आप जो है व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं जो कि डिस्प्ले पे आपके पास आ रहा है, लेकिन जहन में रखिएगा ये प्रोफेशनल सर्विसेज है। इजाज़त चाहूँगा, अल्लाह हाफिज़।